हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने फोन में प्ले स्टोर के कैसे अपडेट कर सकते हैं। वैसे तो प्ले स्टोर सभी एप्लीकेशन को अपडेट करने वाला ऐप है, लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्ले स्टोर को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा इन तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल के आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा अपने प्रोफाइल का आइकन। तो हम लोग अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। तो हम लोग सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा अबाउट का ऑप्शन। तो हम लोग अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अबाउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर वर्जन। तो इसके नीचे देखने को मिल जाएगा अपडेट प्ले स्टोर का ऑप्शन। तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर इज अप टू डेट। तो हम लोग गोट इट वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो हम लोग का प्ले स्टोर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से अपने फोन में प्ले स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों के पास शेयर करे। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।